आयशा की तरह जान नहीं देना चाहती, क्योंकि वो मेरा कसूर इतना है कि मेरे पास पैसे नहीं है जो नहीं बिकते। वो मेरे जैसे गरीब आयशा और हिना की मदद कर दो, मैं आयशा की तरह जान नहीं देना चाहती। नमस्कार, स्वागत है आपका एच सी एन न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ निशा कश्यप। बीती 25 फरवरी 2021 वो तारीख है जब अहमदाबाद के साबरमती नदी में छलांग लगाकर 23 वर्षीय आयशा ने अपना जीवन समाप्त कर लिया था। आयशा का आरोप था कि उसके ससुराल वाले लगातार उसे दहेज की मांग करते हुए प्रताड़ित कर रहे थे। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें आयशा की ही तरह हीना खान नाम की महिला भी अपने प्रति हो रहे प्रताड़ना को रोकने के लिए सभी से मदद मांग रही है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल हीना खान नाम की एक लड़की ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो वायरल किया है। हीना वीडियो में रोते हुए कहती है कि उसकी शादी हसनपुर में हुई थी, वही उसके ससुराल वाले भी उससे दहेज की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर ससुराल पक्ष के लोग उसको प्रताड़ित कर रहे थे। आरोप है कि उसका पति देवर सास व ननद दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। उसने कई बार घटना की जानकारी हसनपुर व सयाना पुलिस को दी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। हीना का आरोप है कि उसका पति देवर सास और ननद आदि उसको प्रताड़ित करते हुए दहेज की मांग करते थे, लेकिन पुलिस अधिकारियों द्वारा ससुराल पक्ष के लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की जाने पर हीना खान ने सोशल मीडिया पर रोते हुए न्याय की गुहार लगाते हुए कह रही है कि मैं आयशा की तरह मरना नहीं चाहती, मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। हीना कह रही है कि कोई मेरी इस वीडियो को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचा दो, मैं उसकी आभारी रहूंगी। अगर इसके बावजूद कोई मेरी मदद नहीं कर पाया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी कि शायद मुझे इंसाफ दिला दें। मैं आयशा की तरह जान नहीं देना चाहती। अगर इस देश के मंत्री जी, हमारे माननीय मंत्री जी, मुझे इन सबके नाम नहीं पता, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, सब, राहुल गांधी जी, अकेले सब लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं इनसे कहती हूँ मंत्री जी, हमारे जैसी बेटियों को बचा के दिखाओ। हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हमारे ससुराल वाले हमें इस तरह मारते रहेंगे। मैं 6 महीने से दर बदर की ठोकरें खा खा के थक गई हूँ, हर पुलिस थाने जा चुकी हूँ। न्याय की गुहार लगाते हुए वह वीडियो में कह रही है कि मैं आयशा की तरह मरना नहीं चाहती, कोई इस वीडियो को कृपया कर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी तक पहुंचा दो, उसकी आभारी रहूंगी, कोई मेरी मदद नहीं कर पाया तो खुदकुशी जैसा कदम उठाने के लिए बेबस हो जाऊंगी। कोतवाली प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि हीना खान नाम की कोई महिला कोतवाली पर शिकायत लेकर नहीं पहुंची। अगर इस तरह का कोई मामला संज्ञान में आएगा तो तत्काल नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आपके अनुसार दहेज के लोभियों को क्या सजा मिलनी चाहिए, क्या कड़े कदम उठाने चाहिए इनके लिए, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहें एचसीएन न्यूज़। धन्यवाद।